नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के विरोध में रालोद की ओर से आयोजित युवा पंचायत की गई। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना न तो देश के युवाओं के हित में है और न ही देश सुरक्षा के लिए सही निर्णय है। साथ ही जयंत चौधरी ने युवाओं की आवाज को दोबारा उठाने और साथ ही साथ जिस तरह से दबाया जा रहा है उसको लेकर सरकार पर आरोप लगाया। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो कह रही है कि अग्निपथ योजना में 4 साल बाद 25% तक भर्ती अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे, तो आज क्यों नहीं दे देते? 25% को ही सेलेक्ट करो। आप बता दो कि हमें भारतीय सेना में इतने लोग नहीं चाहिए। हमें आवश्यकता नहीं है कि हम 40,000 लोग लें, हमें सिर्फ 15,000 चाहिए। यही घोषित करके 15,000 की भर्ती कराए, पूरी उनको पक्की नौकरी दे और पेंशन दे, लेकिन ये दोगलापन हमें बर्दाश्त नहीं। कश्मीर की रहने वाली कश्मीरी पंडित गायिका स्मृति सांगलू बीते 38 वर्षों से प्रयागराज में रह रही हैं और कई एल्बम में अपने गीतों की छाप छोड़ चुकी हैं। उनका एक नया एल्बम वो बातें की लॉन्चिंग की गई, जिसका कार्यक्रम प्रयागराज के सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल और प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी मौजूद रही। इस दौरान रॉक शो के साथ एल्बम की लॉन्च की गई। प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए सिंगर स्मृति सांगलू ने विश्वास जताया है कि प्रयागराज की जनता इनके एल्बम को भरपूर प्यार देगी। संगम नगरी प्रयागराज में एल्बम की लॉन्चिंग है और ये लॉन्चिंग है, किस तरह का एल्बम है, इसमें क्या संदेश है और ये प्रयागराज में क्यों है, इन सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्मृति सांगलू जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने प्रयागराज को क्यों चुना है और इस एल्बम में क्या खास बात है। मैम, आपका बहुत स्वागत है और आपको ढेरों शुभकामनाएं हमारी। कैसा एल्बम है, क्या कहना चाहेंगे और आपने प्रयागराज को क्यों चुना है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज मेरी धरती है, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ के लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताते हैं, ये मेरा घर है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी कोई भी चीज़ अगर शुरुआत हो तो वो यहीं से। और ये एल्बम मेरा फर्स्ट लॉन्च है यहाँ पर और इसमें मेरे दिल की आवाज़ है जो मैंने शब्दों में बयां की है। मैम, आप कश्मीरी पंडित भी हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको प्यार और मिलेगा, आपको क्या लगता है कि आपका लोग प्यार करते हैं, किस तरह से प्यार मिलेगा? मैं कश्मीरी पंडित हूँ बट साथ ही साथ मैं एक भारतीय हूँ। मैं देश में जहाँ भी जाऊँगी लोग मुझे प्यार देंगे, क्योंकि सिर्फ कश्मीर ही मेरी धरती नहीं है, पूरा भारत मेरी धरती है। तो प्रयागराज में, और मैं प्रयागराज में पिछले 21 सालों से, तो यहाँ के लोगों में तो मुझे प्यार मिलेगा ही, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो इस एल्बम को और मेरे संगीत को ज़रूर पसंद करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत कर रही थी स्मृति सांगलू जी। आज इनका एल्बम है वो बातें, उसकी आज लॉन्चिंग है, आज इसका प्रीमियर वहाँ पे लॉन्च हो रहा है। निश्चित रूप से इन्होंने लोगों को प्यार पाने की पूरी कोशिश की है और हमारी प्राइम टीवी की तरफ से इनको ढेरों शुभकामनाएं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर समर्थक को बबलू खान को लगातार धमकियां मिल रही है। तो उधर अयोध्या कोतवाली में उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन बबलू खान कहते हैं कि इस पर ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है ना ही कोई कार्रवाई हो पाई है। मैं चाहता हूं कि धमकी देने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उन सबकी गिरफ्तारी हो। मैं हमेशा से, मैं और मेरा पूरा परिवार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं, जो ये कट्टरपंथी और आतंकवादी और कट्टरपंथी मुसलमान, इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। लगातार मुझे जान से मारने की कई बार धमकी दी गई है, कई बार हमने FIR भी दर्ज कराया है। अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना कोई कार्रवाई हो पाई है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि इनेला जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। वहीं योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लोग पानी और बिजली के लिए भी तरस रहे हैं। अब नगर निगम के जो चुनाव आएंगे उसके अंदर भी हम अपने प्रत्याशी जो है सिंबल पे उतारेंगे। हमने जिला परिषद में भी फैसला किया है
जिला परिषद का जो मेंबर होगा उसको भी हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। पंचायत और ब्लॉक समिति का चुनाव भाईचारे पे छोड़ेंगे। खबर मैनपुरी से है, जहां की सदस्य सीट से विधायक चुने गए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जासमई गांव के भूटा मंदिर में विशाल हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में प्रस्तावित के रूप में चुना जाना मेरा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी अपने विचार रखे। जल निगम की इकाई CNCS के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह बालियान और जूनियर इंजीनियर राहुल मौर्य के खिलाफ 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में कवीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सरकारी ठेकेदार के बकाया बिलों का भुगतान करने के एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत नहीं देने पर बिलों का भुगतान रोक दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना कवीनगर क्षेत्र में कोर्ट के आदेश से एक मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कि भ्रष्टाचार की धाराओं में जल निगम के एक पूर्व कर्मचारी एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखवाया गया है। इस मुकदमे की जो विवेचना है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार CO स्तर के एक अधिकारी कर रहे हैं। विवेचना के दौरान जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। गाजियाबाद में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या असंतुलन को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें देश में संभावित गृह युद्ध को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई है और इसके साथ ही DM को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। विश्व में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में पिछले कुछ सालों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया जाता है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। देखिए, आज जो है ना विश्व जनसंख्या दिवस है, तो इस अवसर पर हमारे जो संगठन से जुड़े हुए 500 जिले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 500 जिलों में जिला स्तर पर सभी जगह मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, माननीय जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे उस स्टेट के, उनके नाम से ज्ञापन किया जाएगा कि 2 child पॉलिसी लागू होनी चाहिए। श्रावस्ती से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गांव के ग्राम प्रधान ने एक युवक पर आरोप लगाया है कि व्यक्ति ने फर्जी हस्ताक्षर करके दूसरे देश के युवक का निवास प्रमाण पत्र जारी कर लिया है, जो किसी भी सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इसके लिए ग्राम प्रधान ने DM और SP से युवक के ऊपर जांच करके ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे ग्राम पंचायत पतरिया मजरे के मनकाचौड़ ग्राम गाँव है, उसमें पंकज सुनाप आसाराम व्यक्ति हैं, वो फर्जी प्रधान और सेक्रेटरी का मोहर बनाए रखे हैं और कोई भी व्यक्ति आता है उसको तकदीद कर देते हैं। इसी बार में एक नेपाल का व्यक्ति के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दिया और फर्जी परिवार रजिस्टर नकल भी जारी कर दिया। नेपाल साहब मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मैं आदमी को नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी मोहर लगी है, मैंने कहा कि मैंने नहीं लगाया। फिर उन्होंने उससे बात कराया तो मैंने उनसे पूछा कहाँ मोहर लगाया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 2-3 प्रधान और सिपाही के बीच में जब उनको बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेपाल का व्यक्ति था, मैंने लगा दिया, वो यहाँ जमीन लेना चाहता था इसलिए मैंने मोहर लगा दिया। खबर कानपुर से है, जहां दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल एक कलयुगी बेटी ने ही अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी ही माता पिता की हत्या को अंजाम दिया और प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी। तो उधर इस पूरे मामले में हत्यारोपी बेटी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर इस घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड भारतीय सेना में एम्बुलेंस ड्राइवर के पद पर तैनात 3रे आरोपी राहुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। कुछ दिन पूर्व बर्रा थाने में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया गया था, उसमें एक अभियुक्त को यहाँ गिरफ्तार किया गया था और एक लड़की जो कि उनकी बेटी है, गोद ली हुई बेटी है, उसे भी इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के क्रम में ये बात बड़ी साफ उभर के आई थी कि एक व्यक्ति जो कि आर्मी में
ड्राइवर की नौकरी करता है, संभवतः एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और ये तस्दीक भी हुई है, वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरी प्लानिंग में सम्मिलित है और वो वर्चुअली इस पूरी प्लानिंग में कनेक्टेड भी था। खबर बुलंदशहर से है, जहां के खुर्जा देहात क्षेत्र में पुलिस टीम ने वाहन चोरों को चोरी की 3 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देशन पे अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के तहत मामन खुर्द पुल के नीचे खुर्जा देहात पुलिस द्वारा कुछ सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि कुछ अपराधी जो मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में हैं, उसमें से 3 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया, 3 मोटरसाइकिलों को उनके पास से बरामद किया गया, उनकी निशानदेही और पूछताछ में 10 मोटरसाइकिलें और स्कूटी और बरामद किया गया। इस तरह से एक अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर गिरोह था उसका पर्दाफाश किया है। खबर सोनभद्र से है, जहां की थाना शक्ति नगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पॉस्को से संबंधित प्रकरण में 2 आरोपियों और 1 बाल अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। इन अपराधियों को पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। शक्ति नगर के बलिया नाला स्थान से एक लड़की को 3 लड़के मोटरसाइकिल में बैठा के उसको बहला फुसला के ले गए थे और उसके साथ उन्होंने गलत काम किया था। उसके पिता की सूचना पर मुकदमा लिखा गया और कोटा तिराहा खड़िया से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 1 बाल अपचारी है, 2 अभियुक्त जो थे वो बलात्कार में शामिल थे और 1 अभियुक्त जो था वो उसकी मदद कर रहा था, सहायता कर रहा था। तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है, न्यायालय के माध्यम से उनको जेल में भेजा जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां के लोनार कोतवाली क्षेत्र के हरदोई सवाईजपुर मार्ग पर बहन की विदा कराने जा रहे कार सवार की गोलियों से असलहों से लैस हमलावरों ने पिटाई कर दी। हमलावर साड़ियां, चेन और नकदी लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोतवाल विनोद यादव ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये जगतपाल सिंह ने एक तहरीर दिया है कि इनके बड़े बहनोई जो पहाड़पुर पाली के रहने वाले हैं, ये अपने बहन के यहाँ, जगतपाल इनके भाई लोग अपने बहन के यहाँ जा रहे थे नेवादा लोनार में, उनकी और बहनें हैं, तो छोटे बहनोई के यहाँ चौथ लेके, इस पे ये बड़े बहनोई लोग गाड़ी से आए और इन लोगों के साथ मारपीट किया जिसमें 3 लोग घायल हैं। इस पे अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां कुएं की सफाई करते समय भरभरा कर मलबा गिरने से किसान उसमें दब गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना अरवल पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इसकी कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। ग्राम कुलिया थाना अरवल में आज सुबह एक व्यक्ति है, राय मित्र, 52-53 साल लगभग उम्र है, ये अपने व्यक्तिगत कुएं में उतरे थे, कुआं बंद है और उसमें उतरे थे ईंट निकालने के लिए, उसी में मिट्टी में ये दब गए थे और इसमें जो है गांव वालों के सहयोग से, पुलिस और जेसीबी के सहयोग से इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी मिट्टी हटा ली गई है, बातचीत भी कर रहे हैं, मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के बड्ढा में मामूली विवाद में छात्र की हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे जाम करके जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्लस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की है। मेरा छोटा भाई लक्ष्य है, कल बड्ढा में उसका कत्ल कर दिया जी, 5 लड़कों ने मिलके, जिनमें एक जना हाजिर हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस कहती है वो हमने पकड़ा है जबकि वो हाजिर हुआ,
उसे छोड़ने के लिए एक लड़का आया नीरज नाम का बाइक पे, पुलिस ने उसको जाने दिया और उसको रोक लिया। लक्ष्य पुत्र योगेंद्र सिंह, इसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, सनराइज स्कूल में पढ़ता है। उसके ही दोस्त द्वारा बताया गया है कि उस हत्या कर दी गई है। उसका नाम अभय है, वो पुलिस हिरासत में, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में रिंसा 2 में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और जो पीड़ित जो परिवार है उसके द्वारा जो जाम लगाया गया था, उनकी कुछ मांगे थी वो सब सुन ली गई है, लेकिन उनसे ले भी ली गई है और समझा बुझा के उनको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। कानपुर नगर के महाराजपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बमबुरीहा निवासी अजय रैदास की पत्नी सुलेखा का ससुराल वालों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। अजय और सुलेखा ने 5 साल पहले ही शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद से ही घर में विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के अंतर्गत गांव बमबुरी है, जिसमें सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई एक 24 वर्षीय महिला सुलेखा, जिसकी शादी को 5 वर्ष हुए, उसने फांसी लगा के हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार के जनों से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। बाद FIR अभी पंजीकृत आवश्यक निगरानी कर रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए ACP निर्धारण व्यवस्था और सहायक अभियंता को वरिष्ठता निर्धारित किए आदेश के खिलाफ आज शक्ति भवन परिसर में भारी संख्या में जूनियर इंजीनियर संगठन के सभी पदाधिकारियों ने कार्य ठप कर धरना दिया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष GV पटेल समेत सभी मौजूद रहे। उन सभी की एकमत राय थी कि आदेश को प्रबंधन वापस ले और मांगे पूरी नहीं होने की दशा में संगठन न्यायपूर्ण तरीके से अपनी आंदोलन को जारी रखेगा। राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी पटेल हमारे साथ हैं। आज बेहद ही भारी संख्या में शक्ति भवन परिसर में धरना किया गया था, क्या मुख्य मांगे थी आपकी और धरने को अंजाम क्यों दिया गया? देखिए, ये एक तरह से लोगों के अंदर रोष और आक्रोश था और उस रोष आक्रोश को लोगों ने यहाँ पर आकर व्यक्त किया। और रोष आक्रोश इसलिए था कि वेतन कटौती संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे ACP को लेकर के, और वरिष्ठता का गलत निर्धारण किया गया था। इन चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर आज प्रदेश भर में जो उबाल था उसका प्रकटीकरण यहाँ हुआ है। और हमने अभी प्रबंधन से बातचीत करके और ये बात अपनी बात वहाँ पर रखी, हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमारी जो न्याय संगत चीज़ें हैं, जो विधिक चीज़ें हैं, उसको वो समझेंगे और समझ करके उस पर न्यायपरक कार्रवाई करेंगे। पटेल जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इस स्थिति में संगठन क्या करेगा? देखिए, हमारी बहुत ही न्याय संगत मांग है, जो हमारा उत्पीड़न है, जो वेतन कटौती है, वो रोकी जाए। अगर अन्याय जारी रहेगा तो हम केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक बुलाए हैं और फिर आगे कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। क्या लगता है कि सरकार और प्रबंधन ये आपकी बातें मानेंगे? हमारा प्रबंधन से कहना है, सरकार से भी बात नहीं है, प्रबंधन हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय देगा। धरना लगातार जारी रहेगा। आप लोगों ने जेल भरने की आज बात कही थी, तो ये बात कितनी सत्य है? नहीं, जेल भरने की कोई बात आज नहीं कही थी। नारे कुछ लोग अपने इसमें बोल दिए होंगे, बात अलग है, लेकिन जेल भरने की कोई बात ऐसी नहीं थी आज। लेकिन अपनी बात हमें कहना था और अपनी बात जो पीड़ा थी उसको प्रबंधन को जाना था, वो चीज़ बखूबी पहुँचाई गई। ये हमारे साथ एक और हैं, महासचिव जी हैं। सचिव जी, ये बताइए, मांगे तो पूरी हो गई है, प्रबंधन ने मांग लिया है, स्वीकार लिया है, अब क्या स्टेप होगा? नहीं, मांगे ना पूरी हुई है ना हमारी कोई मांग है। हम तो अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ उठाने आए थे और अन्याय जो हुआ है उसका ज्ञापन देने आए थे। आज सिर्फ और सिर्फ उन अन्याय के 5 बिंदुओं को ACP की व्यवस्था में परिवर्तन कर वेतन कटौती का आदेश किया जाना और सीनियरिटी गलत तरीके से निर्धारित किया जाना, काम के वातावरण न होने पर लगातार श्रम अधिनियमों का उल्लंघन किया जाना, वो ट्रांसमिशन में जो है 400 और 220 और 670 के जो हमारे सबस्टेशन हैं उनको जो है आउटसोर्सिंग पे किए जाना, इसका हमने अपनी एक बात रखी है। आज MD साहब और चेयरमैन महोदय ने उस ज्ञापन को लेके केवल आश्वासन दिया है, हम परीक्षण करा के न्याय देंगे। अब धरना जारी रहेगा? हमने न तो कोई धरना प्रारंभ किया है न भी कोई घोषणा की है। हम अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, हमारी जो कार्यकारिणी हमें निर्देश देगी, जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लागू करेंगे, आप सब तक समय से बताएंगे। महासचिव जी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि प्रदर्शन, क्या अगर नहीं मांगे मानी जाती हैं तो क्या ये संगठन जो है सड़कों पर उतरेगा? हम पुनः करें कि अगर हमारे साथ अन्याय होगा, हमें जो मिल चुका था
दसियों साल से लोग वेतन ड्रान कर चुके थे, हम वेतन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। बावजूद अगर उसकी रिकवरी करने का, उसे कमतर करने का काम होगा तो निश्चय ही जो है हमारा भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर का जो जीन है, कम से कम हम भी स्वाभिमानी लोग हैं और जिंदा लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जिंदा होते हैं। जिस समय जहाँ जाना पड़ेगा, जिस दरबार पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए हम लोग स्वतंत्र होंगे और निश्चय ही संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, व्यवस्था के तरीके से, जो कानून में व्यवस्था है उसके विपरीत कहीं ना जा करके अपनी मांग को, अपनी समस्या को, अन्याय को जो है हर प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास करेंगे। यह आपके सामने कहने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्हें प्रबंधन से कहीं ना कहीं पूरी तरह से न्याय की उम्मीद है, वो इस न्याय में बरकरार रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में वैश्य समाज के व्यापारियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के ऊपर 12 जुलाई 2010 में हुए हमले पर बात की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के पदाधिकारी शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर नंद गोपाल नंदी की दीर्घायु की कामना करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रजत गर्ग की तरफ से की गई, जहां कार्यक्रम में आलू गोयल, मनोज गोयल और डॉक्टर हर्ष अग्रवाल मौजूद रहे। श्री नंद गोपाल नंदी जी, जो इस समय मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं यूपी सरकार में, उनके ऊपर 12 जुलाई सन 2010 में एक जानलेवा हमला हुआ था बम द्वारा, जिसमें वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। परंतु ऐसे समय भी उन्होंने साहस का साथ नहीं छोड़ा और निडरता से वो डटे रहे। उनके ऊपर बम का अटैक तब हुआ था जब वो व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। तो भगवान शिव जी का रुद्र अभिषेक हम लोग करेंगे 12 जुलाई को, जिसमें हम मनोकामना करेंगे कि नंद गोपाल नंदी जी की लंबी आयु हो और वो निरोगी रहे। अमेठी में लोगों ने तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करने के लिए एसडीएम प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले 3 साल से निर्माणाधीन ककुआ रोड ओवरब्रिज प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से चंद व्यापारियों के द्वारा सड़क का अतिक्रमण न हटाने के चलते नहीं बन पा रहा है। आज अमेठी क्षेत्र के दक्षिण की जो पीड़ित जनता थी, सैकड़ों की संख्या में लोग आए, ज्ञापन दिए। एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है 2019 से, उसको 18 महीने में बन जाना चाहिए था, 3.5 साल हो गए हैं, ओवरब्रिज बन नहीं पा रहा है। केवल चंद व्यापारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे, बाकी सारे व्यापारी अतिक्रमण हटा लिए हैं। केवल प्रशासन का हीला हवाली के कारण उधर पुलिस का आवागमन है, हॉस्पिटल उसी तरफ है, रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता उसी तरफ से है। केवल प्रशासन टाउन एरिया विशेष करके दोषी है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।